लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के मुद्दे पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मंगलवार को केजरीवाल पश्चिम दिल्ली के द्वारका पहुंचे। वहां केजरीवाल ने जनता के सामने बेहद दिलचस्प वादे किए। उन्होंने कहा कि 70 साल में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और नागालैंड पूरे राज्य हो गए हैं, लेकिन दिल्ली वालों में क्या कमी है जो आधा राज्य है? क्या दिल्ली वाले टैक्स नहीं देते या दिल्ली वाले देशभक्त नहीं हैं? अरविंद केजरीवाल ने द्वारका में भाषण देते हुए ये भी दावा किया कि दिल्ली वाले केंद्र सरकार को हर साल 1.5 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। बदले में केंद्र सरकार दिल्ली पर सिर्फ 325 करोड़ खर्च करती है। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाने का वादा भी जनता के सामने रख दिया। केंद्र सरकार से ज्यादा बजट की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली को ऐसा चमका देंगे कि 3-4 सिंगापुर यहीं बना देंगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से दिल्ली की 7 सीट जीतने की अपील की और दावा किया कि 7 सीट जीतने पर आम आदमी पार्टी 2 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का हक दिला देगी। केजरीवाल ने वादों की छड़ी लगाते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को अहम मुद्दा बना लिया है, लेकिन लगता है लोगों को सीएम केजरीवाल का ये वादा पसंद नहीं आ रहा और सोशल मीडिया यूजर्स केजरीवाल पर मजेदार कमेंट्स कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर लिखता है, शेर मारने निकले थे, मरती नहीं बिल्ली, खांसी ठीक होती नहीं, ठीक करेंगे दिल्ली। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि इन्हें 1 रुपए भी ना दें। तो वहीं किसी ने केजरीवाल को बरसाती मेंढक तक की उपाधि दे दी। कोई उनकी खांसी को लेकर मजाक उड़ा रहा है तो कोई उन्हें झूठा कह रहा है। पॉलिटिकल डेस्क राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पर आपको मिलती हैं देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।